भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही तीन ओडे मैचों की सीरीज का तीसरा ओडे मुकाबला आज बोलैंड पार्क में खेला जाना है, जो कि सीरीज का डिसाइडर होने वाला है। जी हां, इसके लिए भारत की टीम में भी कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं और ये बदलाव ज़रूरी भी है, क्योंकि भारत उन खिलाड़ियों को भी आजमाना चाहता है जो इस वक्त बेंच पर बैठे। जी हां, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए अब तक दो मुकाबलों में पहला मुकाबला जहाँ भारत ने शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी के बलबूते दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराया था, तो वहीं दूसरे ओडे मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम ने जबरदस्त वापसी की और फिर भारत को भी उन्होंने 8 विकेट से हराया। लेकिन सीरीज का आखिरी ओडे मुकाबला और सीरीज का डिसाइडर मुकाबला आज बोलैंड पार्क में खेला जाना है। भारतीय समय अनुसार ये मुकाबला 4:30 बजे शुरू होना है। लेकिन भारत की टीम में क्या क्या बदलाव होने की उम्मीद है, तो सबसे पहले तो जो यूजी चहल आपके ब्रेंच पर बैठे यूजी चहल को मौका दिया जा सकता है। उसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर भी हैं आपके पास, वॉशिंगटन सुंदर को भी मौका दिया जा सकता है। ये दो वो खिलाड़ी हैं जिनको मौका दिया जाना है।